दर्शन तो वही सवेरे 4 बजे से पुजारी चले जाते हैं मंदिर में, और 7 बजे 4:30 बजे भगवान का जो मंगला आरती है वो हो जाती है। उसके बाद में 6 बजे श्रृंगार आरती हो जाती है, 7 बजे दर्शन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सुबह के कार्यक्रम वैसे हैं। भीड़ तो और पहले से वहाँ उपस्थित हो जाती है। 12 बजे भोग लगता है, उसके बाद आरती हो जाती है। फिर सायंकाल उसी प्रकार से 7 बजे संध्या आरती, उसके बाद में 9 बजे शयन आरती। इस समय ऐसे चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जब भीड़ कम हो। अभी तो भीड़ बहुत है और लोगों के इस प्रकार से चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना दर्शन के वापस न जाए। इस उद्देश्य से जो 12 बजे के बाद विश्राम के 2 घंटा रहा वो भी बंद कर दिया गया है, और विश्राम सुबह जो 4 बजे से लेकर के और शाम लगभग 10 बजे तक ऐसे ही दर्शन चल रहा है। इसलिए अब सोच रहे हैं कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं देखनी पड़ती है, क्यों इतनी भीड़ है कि सभी को दर्शन मिल जाए, यह है उद्देश्य है। इसलिए अभी कोई परिवर्तन नहीं है। समझ लिए कि 4 बजे से और 10 बजे तक इस तरह से लगातार मंदिर का दर्शन चलता रहेगा।